वहीं कार्बेट टाइगर रिजर्व के लैंडस्केप से लगते आबादी क्षेत्रों में बाघ और गुलदार की लगातार मूवमेंट रहती है। रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के टांडा और चिल्किया क्षेत्र में एक गुलदार की लगातार दहशत के ग्रामीण शाम होते ही दहशत में जीने को मजबूर थे। इस गुलदार ने पिछले 6 महीने में टांडा और चिल्किया क्षेत्र में लगभग 3 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर चुका है। वहीं बीते महीने चिल्किया गाँव के महेंद्र नाम के व्यक्ति को गुलदार ने हमला कर घायल किया था। तब से लगातार वन विभाग इस पर नजरें गड़ाए हुए थे। वहीं वन विभाग को सूचना मिली कि गुलदार रामनगर के चुलकिया और टांडा के बीच बगीचे में घुसा है। वहीं वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़ने के लिए शाम 6 बजे पिंजरा लगा दिया और रात 8 बजे गुलदार पिंजरे में फंस गया, जिसके बाद ग्रामीणों समेत वन विभाग ने चैन की सांस ली। जो लेपर्ड के मूवमेंट की हमें जानकारी मिली, तो आज हमने 6 बजे लगभग उसको वहां पर पिंजरा लगाया और 8 बजे के करीब वो पिंजरे में लेपर्ड फंस गया। तो उसको हम प्राकृतिक आवास में छोड़ रहे हैं और इससे वहां की जनता को काफी निजात मिलती। भी इस दौरान घायल हो गया था। अब ऐसे में गुलदार को पिंजरे में कैद कर वन विभाग और ग्रामीणों ने चैन की सांस ली है।